दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने गुटखा सिगरेट और अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स के ऐड को 2003 में ही बैन कर दिया था, लेकिन जरा इस वीडियो को देखिए। गुटखा खा रहे हो मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? शाहरुख खान कैसे मरेगा? वो भी गुटखा खाता है तो? शाहरुख खान गुटखा खाता है? हाँ। कौन बोला है तुमको? प्रचार में देखे हैं। अच्छा प्रचार में? इस वीडियो में शाहरुख खान से इंस्पायर होकर एक 10 साल का लड़का भी अब गुटखा खाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शाहरुख खान ने आज तक कभी भी गुटके का ऐड किया ही नहीं है तो क्या आप बिलीव करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपके माइंड में सबसे पहले यह एडवर्टाइजमेंट आएगा। विमल बोलो जुबां केसरी। लेकिन आपने शायद ये नोटिस नहीं किया होगा कि यह गुटके का ऐड नहीं बल्कि केसर युक्त इलायची का प्रमोशन है। असल में इसे ही सरोगेट एड्स कहते हैं, जिनके जरिए कंपनी धड़ल्ले से उन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर रही हैं जिन पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। शाहरुख खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पान मसाला और गुटके जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट का इनडायरेक्टली ऐड करने के बाद भी खुद को दोषी नहीं मानते। हाँ, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो कि सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हैं और करोड़ों का लालच देने के बावजूद इस तरह के एड्स को प्रमोट नहीं करते, जिनके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन क्या गवर्नमेंट को इन ब्रांड्स की चालाकियों के बारे में नहीं पता? और अगर पता है भी तो क्यों इन पर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू ने इस कॉमर्शियल में बताया है कि अगर आपको कामयाबी की पहचान दिखानी है तो फिर बिना पान मसाला के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पान बाहर, पहचान कामयाबी की। लेकिन रुकिएगा, ये लोग पान बाहर पान मसाला की नहीं बल्कि इलायची की बात कर रहे हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पूरे एड में कहीं पर भी यह नहीं बोला गया है कि ये लोग इलायची को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अभी ये सब छोड़िए, चलिए पहले हम यह जान लेते हैं कि गुटखा एड्स को आखिर बैन क्यों किया गया था। क्योंकि 90s के टाइम पर अक्षय कुमार खुलेआम रेड एंड व्हाइट सिगरेट का ऐड करते हुए दिख जाएंगे और वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि उन दिनों ये डायरेक्ट प्रमोशंस होते थे। रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। लेकिन साल 2000 के शुरुआत में हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने देखा कि इंडिया में हर साल लाखों लोग कैंसर से मर रहे हैं और इनमें भी ओरल कैंसर से मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। इसीलिए हेल्थ मिनिस्टर ने फैसला किया कि वो गुटखा, सिगरेट और शराब जैसे प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह से बैन कर देंगे। जब ये दिखेंगे ही नहीं तो बिकेंगे कैसे? यही सोचकर 2003 में एक्ट नंबर 34 के तहत इस रूल को पास कर दिया गया था। पर यहाँ पर सरकार का प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि इसके 7 साल बाद 2010 में जब ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे हुआ तो सामने आया कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुटखा चबाते हैं। और आज के टाइम पर तो हाल इतना बुरा है कि पूरे दुनिया में गुटखा का सबसे ज्यादा कंजप्शन हमारे भारत में ही किया जाता है। और यही वजह है कि हर साल 9,30,000 कैंसर डेथ्स में से सिगरेट, गुटखा और शराब का भी बहुत बड़ा रोल है। पर सवाल यह है कि इन प्रोडक्ट्स के ऐड पर अगर पाबंदी लगी हुई है तो फिर टीवी और इंटरनेट पर हमें जो दिन रात पहचान कामयाबी की और बोलो जुबा केसरी जैसे एडवर्टाइजमेंट्स नजर आते हैं, ये सब क्या है? असल में इन्हें ही सरोगेट एड्स कहा जाता है। सरोगेट का हिंदी मतलब है किसी दूसरे के जगह पर काम करने के लिए अपॉइंट किया गया। एक्चुअली कंपनीज मेन प्रोडक्ट जिसका लीगली ऐड करना पॉसिबल नहीं है उसी के पैकेजिंग, कलर और डिजाइन से मिलता जुलता एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करती है और टैगलाइन भी सेम वैसे ही देती है जैसे कि मेन प्रोडक्ट की होती है। एग्जाम्पल के लिए इम्पीरियल ब्लू, ये शराब का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसे पीने के शौकीन बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर आप नहीं भी पीते हैं लेकिन टीवी देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस नाम से आप भी अनजान नहीं होंगे, क्योंकि इम्पीरियल ब्लू का एड टीवी पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब कई लोगों को तो ये समझ नहीं आता कि ये किस चीज का एड है, क्योंकि स्क्रीन पर कोई प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं जाता, बस बड़े बड़े वर्ड्स में ब्रांड नेम लिखा रहता है और नीचे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो फिर वहाँ आपको लिखा नजर आएगा म्यूजिक सीडी। यानी कि इम्पीरियल ब्लू म्यूजिक सीडी बेच रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर्च करने पर ये प्रोडक्ट हमेशा ही अनअवेलेबल होता है। एक्चुअली असलियत ये है कि ये कंपनी म्यूजिक सीडी की आड़ में अपना ब्रांड नेम आपके दिमाग में फिट कर रही है ताकि जब शराब के आप 2-3 ऑप्शंस देखें तो फिर इम्पीरियल ब्लू आपको जाना पहचाना लगे और आप उसे ही सेलेक्ट करें। सेम ऐसे ही रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन का कमला पसंद वाला एड ले लीजिए। इसमें ब्रांड नेम को लेकर बहुत हाइप क्रिएट किया गया है लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया गया है कि प्रोडक्ट क्या है। हाँ, नीचे अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर नजर आएगा सिल्वर कोटेड इलायची। लेकिन ये शब्द एड में बोला क्यों नहीं गया? क्योंकि इन्हें इलायची नहीं बल्कि अपना गुटखा बेचना था
और कंफ्यूजन में लोग समझ बैठते हैं कि ये सेलिब्रिटीज गुटखा खा रहे हैं। एक्चुअली जब इन एड्स को सेलिब्रिटीज के द्वारा प्रमोट किया जाता है तब हमें लगने लगता है कि आजकल के लाइफस्टाइल में ये बहुत कॉमन है और सोशल बने रहने के लिए हमें इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना जरूरी ही है। इसीलिए यह जानते हुए भी कि यह हेल्थ के लिए सही नहीं है, हम शराब सिगरेट और गुटखा की हैबिट में पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा बॉडी इस नए बदलाव को नहीं झेल पाता है और यही वजह है कि आजकल के यूथ लेट 20s या अर्ली 30s में ही फैटी लिवर, स्टमक इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, हार्ट और लंग से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब हैबिट्स बदलना शायद हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन पोटेंशियल रिस्क के लिए तैयार रहना एक स्मार्ट डिसीजन होगा, क्योंकि एक आम भारतीय घरों में हॉस्पिटल में एडमिट होने का खर्च 6 महीने या फिर उससे भी ज्यादा के सैलरी के बराबर होता है और यह सब हमने COVID-19 पैंडेमिक और मंकी पॉक्स जैसी बीमारियों में देख ही लिया है। ऐसे में क्या आप मेडिकल इमरजेंसीज के खर्चों के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आपको भी अपने और अपनी फैमिली के लिए एक फ्लोटर हेल्थ प्लान लेना चाहिए, जिससे आपके ऊपर भी कभी भी मेडिकल से संबंधित खर्चों का बर्डन नहीं आएगा। लेकिन जब आमतौर पर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोचते हैं और किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हमें इतने सारे स्पैम कॉल्स और मैसेजेस का सामना करना पड़ता है कि हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ एजेंट्स तो सिर्फ अपने मंथली टारगेट को पूरा करने के लिए आपको गलत पॉलिसी बेचने की ट्राई करते हैं, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आता है डिट्टो, जो कि आपके लिए सबसे अच्छा इंश्योरेंस खरीदने की बेस्ट एडवाइस देता है। अब मैं आपको डिट्टो के साथ अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना था, लेकिन हर कंपनी के एजेंट्स अपनी अपनी कंपनी के अवेलेबल प्लान्स को सबसे अच्छा बताकर अपनी पॉलिसी को बेचने की ट्राई कर रहे थे और इसी कंफ्यूजन के बीच मुझे डिट्टो के बारे में पता चला। इनके वेबसाइट पर जाकर मैंने फ्री कंसल्टेशन बुक किया और यहाँ पर इनके कंसल्टेंट ने मुझे इतने ऑनेस्ट वे में बेस्ट प्लान चूज करने में मदद की कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने जेन्युइन तरीके से भी हमारी कोई हेल्प कर सकता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो सब कुछ प्रॉपर चेक करके डिट्टो की तरफ से बेस्ट एडवाइस दी गई। और हाँ, डिट्टो आपके डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम सेटलमेंट्स में भी पूरी मदद करेगा। तो अगर आप भी अनवांटेड कॉल से बचकर अपने इंश्योरेंस के लिए स्पैम फ्री प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर डिट्टो के साथ अभी कॉल या चैट शेड्यूल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब दोस्तों, अगस्त 2019 में एक बहुत बड़ा स्कैम इन पान मसाला और गुटखा कंपनीज की तरफ से देखने को मिला, लेकिन इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर गुटखा और पान मसाला में अंतर क्या है। असल में दोस्तों, पान मसाला के अंदर वही सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल पत्ते वाले पान में डाले जाते हैं। बस फर्क इतना है कि इसे सुखाकर इसका एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसमें सुपारी, मसाले, कलर और फ्रेग्रेंस शामिल होते हैं। इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत एक फूड प्रोडक्ट माना जाता है, इसीलिए इसके एड और बिक्री पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन इसके साथ में सेहत के लिए वार्निंग देना जरूरी है, क्योंकि इसमें सुपारी होती है जो कि मुंह के कैंसर का कारण बन सकती है। दूसरी ओर अगर पान मसाला में तंबाकू मिला दिया जाए तो वो गुटखा बन जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि तंबाकू में 7000 से भी ज्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं और इन केमिकल्स में से लगभग 98 ऐसे हैं जो कि कैंसर पैदा कर सकते हैं, जिनमें निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन, हाइड्रोजन साइनाइड और लीड जैसे खतरनाक केमिकल शामिल हैं। वैसे अगर आपको गुटखा इंडस्ट्री का पूरा सच जानना है ना, तो फिर इनसे मिलिए। यह है देश के जाने माने गुटखा मैन्युफैक्चरर विजय तिवारी जी, जिन्हें साल 2011 में ओरल कैंसर हो गया था। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद से इन्होंने पूरी गुटखा इंडस्ट्री को ही एक्सपोज करके रख दिया था। विजय जी बताते हैं कि इसका सेवन ज्यादातर गरीब मजदूर किया करते हैं, इसीलिए अगर गुटखा बनाने वाली कंपनीज क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए प्राइस को बढ़ाते हैं तो फिर सेल्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और सेल्स पर फर्क ना पड़े इसके लिए गुटखा व्यापारी असली इंग्रेडिएंट्स की जगह केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कि पान मसाला में यूज होने वाले कत्था की जगह ये मैग्नीशियम कार्बोनेट और गैम्बियर का यूज करते हैं ताकि वैसा ही स्वाद दिया जा सके। इसके अलावा इसमें फ्लेवर के लिए और भी कई तरह के केमिकल्स का यूज किया जाता है, और वो भी ऐसे ऐसे केमिकल्स जिन्हें खाया नहीं जा सकता, लेकिन ये कंपनीज इन्हें सस्ते में चाइना से खरीद के गुटखा बना रही हैं। तभी तो केसर जो 3 लाख रुपए किलो मिलती है उसका पान मसाला ये सिर्फ 1 से 1.5 रुपए में ही बेच रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ इलायची और सिल्वर कोटेड पान मसाले भी इतने सस्ते मिल रहे हैं जितने में ना तो आप इलायची खरीद सकते हैं और ना ही सिल्वर। लेकिन पान मसाला पूरी आजादी के साथ एडवर्टाइज और सेल होता है क्योंकि ये गुटखा नहीं है। हालांकि जब बिहार के स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने अगस्त 2019 के दौरान बाजार में मिलने वाले 12 पान मसाला के सैंपल को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजा तो पता चला कि इनमें से 7 पान मसाले में कंपनीज निकोटीन मिलाकर बेच रही है ताकि लोगों को इसकी लत लग सके, जबकि इनके पैकेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था निकोटीन फ्री। इन 7 ब्रांड्स में राजश्री पान मसाला, कमला पसंद और रजनीगंधा जैसे बहुत ही पॉपुलर ब्रांड शामिल थे जिनका एड ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज करते हैं जिन्हें हम अपना रोल मॉडल मानते हैं। इस टेस्टिंग के बाद से बिहार सरकार ने उन 12 के 12 ब्रांड्स को ही अपने राज्य में बैन कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि निकोटीन तो सिर्फ 7 में मिला था ना, तो फिर इन 12 ब्रांड्स को बैन क्यों किया गया? असल में जिन ब्रांड्स में निकोटीन नहीं भी मिला था उनमें भी मैग्नीशियम कार्बोनेट और इनके ही जैसे कई सारे हार्मफुल केमिकल्स मौजूद थे जिनसे दिल की बीमारी और कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से बिहार सरकार ने उन सारे ही पान मसाला ब्रांड्स को बैन कर डाला। और दोस्तों इतना ही नहीं, कुछ कंपनीज ने तो अब लाइम पाउडर के साथ में कुछ ऐसे केमिकल्स को गुटखा में मिलाना शुरू कर दिया है कि ये मुंह में जाने के बाद से मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल जाता है। यानी कि भले ही ये सैंपल टेस्ट में ना आ रहा हो लेकिन आप जहर ही खा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वो सेलिब्रिटीज जो पान मसाला या इलायची का ऐड करते हैं क्या वो खुद भी कभी इसे टेस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ थोड़ी करना है। हाँ इतना जरूर है कि यह हमारे मन में जिज्ञासा जगा देते हैं, इसे एक बार खाकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा हीरो खा रहा है तो वाकई में कोई अच्छी ही चीज होगी। और जब इन सो कॉल्ड स्टार्स से सवाल किया जाता है तो ये हाथ झाड़कर खड़े हो जाते हैं कि मैं गुटखा या तंबाकू का ऐड कभी नहीं करता, बल्कि मैंने जिसका ऐड किया है वो इलायची थी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अमिताभ बच्चन ने कुछ समय पहले ही अनाउंस किया है कि अब वो किसी भी तरह के पान मसाला ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे। असल में उनका रणवीर सिंह के साथ में ऐड आने के बाद उनको सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और बार बार लोगों के सवाल और क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और तंबाकू इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने कभी भी अल्कोहल या टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं किया, जैसे कि इमरान हाशमी ने 2013 में एक शराब कंपनी के 4 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया था क्योंकि उनका कहना था कि उनके ज्यादातर फैन 18 से 25 साल के हैं और ऐसे में उन्हें ये गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते। इसके अलावा अलू अर्जुन ने भी यह कहते हुए एक तंबाकू कंपनी के विज्ञापन को करने से मना कर दिया था कि जिस चीज का यूज वो खुद नहीं करते उसको वो प्रमोट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, आमिर खान और जॉन अब्राहम जैसे कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस तरह के एड ऑफर को ठुकरा दिया और पैसों से ज्यादा उन युवाओं के बारे में सोचा जो कि इन्हें फॉलो करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब सरोगेट एड इतने ही मिसलीडिंग है तो फिर सरकार इन पर रोक क्यों नहीं लगा देती? किस्सा ही खत्म हो जाएगा। असल में दोस्तों इन्हें रोकने के लिए ASCI यानी कि द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरोगेट एड्स को लेकर ऑलरेडी कई सारे नियम बनाए हुए हैं, जैसे कि कंपनीज सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट का ही एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कंपनी सिल्वर कोटेड इलायची का एड चला रही है लेकिन मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो ऐसे में वो कंपनी इस प्रोडक्ट का एड नहीं कर पाएगी। इसके लिए एक जेन्युइन प्रोडक्ट होना जरूरी है, साथ ही कंपनी को शो करना होगा कि सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए ही उन्होंने फैक्ट्री सेटअप या फिर मशीनरी जैसी चीजों में कम से कम 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, या फिर इस प्रोडक्ट का टर्नओवर होना चाहिए 20 लाख रुपए पर मंथ का। अब गुटखा इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, ऐसे में उनके लिए किसी एक प्रोडक्ट पर 20 लाख रुपए पर मंथ शो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर इस रेगुलेशन में एक और भी चीज थी कि सरोगेट एड्स किसी भी बैन प्रोडक्ट की तरफ इशारा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप शाहरुख खान की रॉयल स्टेक का एड देखेंगे तो वो कहते हैं स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, सीग्रम्स रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक, इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। अब बहुत से लोगों को पता है कि रॉयल स्टेग एक शराब बेचने वाला ब्रांड है, ऐसे में ये एड सीधे उसी तरफ हिंट कर रहा था ना कि म्यूजिक सीडी की तरफ। हैरानी की बात यह है कि इस तरह के कई सारे एड्स को ASCI ने खुद ही पकड़ लिया था, लेकिन बैन करने की जगह उनकी तरफ से कंपनी को कहा गया कि वो थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ इसे वापस से रन कर सकते हैं। ऐसे में जब इन अथॉरिटीज की तरफ से ही कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया जाएगा तो ऐसे में सरोगेट एड्स की आड़ में ये कंपनीज लोगों को तो कैंसर खिलाती ही रहेगी।
ऐसे में ये सवाल भी मन में आता है कि सरकार इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती। अब बहुत से लोगों का आंसर होगा टैक्स के लिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री से सरकार का भी भारी टैक्स कलेक्शन जो होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि टोबैको गवर्नमेंट के लिए बहुत घाटे का बिजनेस है, क्योंकि 2017 में इंडिया को टोबैको यूज और सेकेंड हैंड स्मोक के एक्सपोजर से होने वाले हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए 2340 बिलियन रुपए खर्च करने पड़े थे, जो कि देश की जीडीपी का 1.4% है। वहीं गवर्नमेंट को हर साल टोबैको इंडस्ट्री से 537 बिलियन रुपए का एवरेज टैक्स रेवेन्यू मिलता है। मतलब कि जो पैसा गवर्नमेंट को टोबैको इंडस्ट्री से टैक्स के रूप में मिलता है, वो उन खर्चों से काफी कम है जो कि टोबैको से होने वाली प्रॉब्लम्स पर खर्च होते हैं। तो फिर सरकार इन्हें बैन क्यों नहीं कर देती? असल में दोस्तों, इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टोबैको में कोई पॉजिटिविटी देखें तो इसमें देश के 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, और अगर इसको बैन कर दिया गया तो फिर रातों रात लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन मेरा अपना सुझाव है कि अगर इसे बैन नहीं किया जा सकता तो गवर्नमेंट को कम से कम कोई ऐसा कानून जरूर लेकर आना चाहिए कि सरोगेट एड्स की आड़ में ये कंपनीज लोगों की जिंदगी के साथ में ना खेल पाएं। क्योंकि एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा एडल्ट्स की सिर्फ और सिर्फ टोबैको की वजह से ही मौत हो जाती है, जो कि ओवरऑल डेथ्स के 9.5% के बराबर है। इसीलिए अगर कंपनी बार बार सरोगेट एड्स के जरिए नियमों का उल्लंघन करती है तो फिर सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन ले। जैसे कि अगर वो तंबाकू या अल्कोहल के लिए सरोगेट एड्स चलाती हैं, तो फिर उस ब्रांड के किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट पूरी तरह से लाइफ टाइम के लिए बैन कर देना चाहिए। और दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने का सोच लिया है और एक स्पैम फ्री प्लेटफॉर्म की तलाश में है, तो फिर डिट्टो की टीम के साथ कॉल या चैट शेड्यूल करना ना भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।